नमस्कार सभी शिक्षार्थियों को, दर्शकों को और काव्य शास्त्र के प्रति जिज्ञासु सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा अभिवादन। मैं डॉक्टर स्मिता अग्रवाल, राजर्षी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय की अध्यापिका हूँ। मैं वर्तमान में मानविकी विद्या शाखा में संस्कृत के लिए सहायक आचार्य के पद पर हूँ। आज का विषय है काव्य का प्रयोजन। यह काव्य का प्रयोजन हमारे परास्नातक संस्कृत पाठ्यक्रम के 114 प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र का शीर्षक है काव्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम काव्य प्रकाश, जो आचार्य मम्मट की रचना है, आचार्य मम्मट का ग्रंथ है, उसका अध्ययन प्रस्तावित है। इकाई 3 के अंतर्गत काव्य का प्रयोजन शीर्षक है। इस काव्य का प्रयोजन शीर्षक के अध्ययन से पूर्व मेरे 2 व्याख्यान YouTube पे अपलोड हैं, जिसमें पहले व्याख्यान में मैंने काव्य शास्त्र क्या है, काव्य शास्त्र का काल विभाजन, सभी संप्रदायों के विषय में तथा सभी संप्रदायों के अंतर्गत आने वाले आचार्यों के विषय में आप सभी को सामान्य जानकारी दी थी। आज का विषय है हमारा काव्य का प्रयोजन। काव्य का प्रयोजन प्रारंभ करने से पहले आवश्यकता है कि हम अनुबंध चतुष्टय के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले हम अनुबंध चतुष्टय के विषय में जानना हमें आवश्यक है। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ने का, लिखने का अधिकारी कौन है, उसका विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, इसे हम अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब हम इस अनुबंध चतुष्टय के 2 बिंदुओं पर विचार करते हैं, तभी हम किसी कार्य को करने में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात ग्रंथ की रचना करने में प्रवृत्त होते हैं। इदम मदिष्ट साधनम, दूसरा है इदम मत कृति साध्यम, मतलब ये हमारे इष्ट को साधन करेगा, मतलब हमारे इष्ट का, हमारा जो इष्ट विषय है उसका ये साधन होगा। और यह मत कृति साध्यम, यह हमारी रचना को साध्य करेगा। जब हम इन दोनों बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं, तब हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं या हमारी कार्य में प्रवृत्ति होती है, अर्थात किसी ग्रंथ की रचना के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। इदम मद ईष्ट साधनम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। इदम अंश से हमें विषय का ज्ञान होता है कि उस ग्रंथ में विषय क्या होगा। ईष्ट पद से प्रयोजन, साधनम पद से संबंध और मत पद से अधिकारी। इन 4 अनुबंध चतुष्टय में से ये प्रथम 2 इदम और ईष्ट ये हमारे मुख्य हैं कि हमारा इस ग्रंथ का विषय क्या है, हमारा इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। साधनम से हमें संबंध और मत पद से अधिकारी का ज्ञान होता है। ये अपेक्षाकृत, इन दोनों से अपेक्षाकृत गौण विषय है। जब हम इन 4 के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम ग्रंथ रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। इसके प्रथम उल्लास में हम मंगलाचरण के अनंतर हम काव्य का प्रयोजन पढ़ते हैं। मम्मट के अनुसार काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मितयोपदेश युजे। ये दूसरी कारिका है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने इस काव्य के प्रयोजन में मुख्य रूप से 6 प्रयोजन की चर्चा की है। यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्यः पर निवृत्तये,
तयोपदेश युजे। यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्यः पर निवृत्तये तयोपदेश युजे। इन छह प्रयोजन में से यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे और शिवेतर, हम इसमें से हर प्रयोजन को अलग अलग समझेंगे। कालिदासादीनाम इव यश श्री हर्षादेह धावा धावकादीनाम इव राजा दिगतोच्चार परिज्ञानम आदित्य देह मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम एव रसास्वादन समुद्भूतम विग्लित वेद्यांतर आनंदम प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य सुहृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थ यो गुणभावेन रसांग भूत व्यापार प्रणवतनया विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णनानि पूर्णम कवि कर्म तत्कांत एव सरस्ता पादे नाभिमुखी कृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्युपदेशम च यथा योगम कवे सहृदयस्य च करोत इति सर्वथा तत्र यतनीयम्। कालिदासादीनाम एव यशः, आचार्य बताते हैं कि जैसे कालिदास आदि जो आचार्य हुए हैं उनका यश, ये प्रथम प्रयोजन है हमारे काव्य का। जो कवि काव्य में काव्य की रचना करता है उसको कालिदास आदि कवियों के समान यश की प्राप्ति होती है। और दूसरा प्रयोजन उन्होंने दिया है अर्थ कृते हर्षादेह, जिस प्रकार श्री हर्ष ने धावक नामक कवि के द्वारा रचना कर अपने नाम से रचना करवाकर ग्रंथ लिखवाकर उन्हें प्रभूत धन संपत्ति प्रदान की तो उन्हें धन की प्राप्ति हुई, तो अर्थ कृते। किंतु धावक नामक कवि को चूंकि उन्होंने दूसरे के नाम से रचना की थी श्री हर्ष के नाम से, तो उनको यश की प्राप्ति अर्थात यश की प्राप्ति कीर्ति की प्राप्ति बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन धन जो अर्थ है उसकी सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। तीसरा है राजा दिगतोचित आचार परिज्ञानम, इस काव्य के अध्ययन से काव्य की रचना से हमें राजा महाराजा अर्थात सम्मानित व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, हमारा आचरण किस प्रकार करना चाहिए, काव्य के अध्ययन से हमें उसका ज्ञान मिलता है। चौथा प्रयोजन उन्होंने दिया है अनिष्ट निवारण। आदित्य आदि देह मयूर आदि नाम एव अनर्थ निवारणम, जिस प्रकार मयूर भट्ट का उदाहरण देते हुए मम्मट बताते हैं कि जिस प्रकार मयूर नामक जो कवि थे उनका अनिष्ट का निवारण काव्य आदित्य सूत्र की रचना के द्वारा उनके अनिष्ट का निवारण हुआ, तो काव्य का एक प्रयोजन अनिष्ट का निवारण भी है। और सबसे बड़ा है उन्होंने सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम एव रसास्वादन, जो मौलीभूतम अर्थात जो सबसे मुख्य प्रयोजन उन्होंने बताया कि जिस क्षण पाठक काव्य का अध्ययन करता है काव्य के रस का अनुभव करता है वो अनुभव क्या है, जैसे ही अध्ययन किया हमें तुरंत उसका फल मिला, उसका प्रयोजन क्या है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य के अध्ययन के तुरंत बाद समनंतरम एव रसास्वादन समुद्भूतम, और उसके साथ उन्होंने दो विशेषण जोड़े हैं सकल प्रयोजन मौलीभूतम और विग्लित वेद्यांतरम आनंदम। तो कैसा हमारा प्रयोजन है, विग्लित वेद्यांतर है और सभी प्रयोजनों का मुख्य है मौलीभूत है वो क्या है, आनंद की प्राप्ति, ये हमारे हुए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि तीन प्रकार के उन्होंने यहाँ पे हमें उपदेश की शैली बताया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम एक बार इसे और विस्तृत रूप से इन सभी प्रयोजनों पर दृष्टिपात करेंगे।
आचार्य मम्मट ने प्रथम प्रयोजन यश से में अभी मैंने आपको बताया कि कालिदास आदि का निदर्शन किया है कि जिस प्रकार काव्य की रचना के द्वारा कालिदास को यश की प्राप्ति हुई, तो हमारा प्रथम प्रयोजन काव्य की रचना करने का क्या है, यश की प्राप्ति, कीर्ति। दूसरा प्रयोजन उन्होंने ये दिया अर्थ कृते, अर्थ के लिए। आप देखिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है और ज़्यादातर व्यवहार विदे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। ये सभी काव्य के लिए हैं। तो जैसे रत्नावली नाटिका का निर्माण करके श्री हर्ष से धावक नामक के कवि ने प्रभु धन प्राप्त किया, लेकिन इसके कारण उनको यश की प्राप्ति उतनी नहीं हुई जितनी उन्हें होनी चाहिए। तो आचार्य मम्मट ने अर्थ कृते में धावक और श्री हर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमें बताया है कि काव्य का प्रयोजन एक है अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। तीसरा प्रयोजन उन्होंने दिया व्यवहार विधि। जैसे आजकल हम अगर काव्य को इस वर्तमान परिस्थितियों में सिनेमा से जोड़ें तो सिनेमा भी एक प्रकार का काव्य है। काव्य का अर्थ केवल कविता नहीं है, संस्कृत साहित्य में जो भी रचना की जाती है उसको काव्य कहते हैं। तो जिस प्रकार आज के समाज में हम कोई भी साहित्य पढ़ते हैं या सिनेमा देखते हैं तो उससे हमें बहुत से आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, कि जो मर्यादाओं का ज्ञान होता है, कि जो हमसे बड़े लोग हैं, सम्मानित हैं। जब उस समय में राजा आदि थे, राजा के साथ, राजा के दरबार में जाने पर हमें किस तरह का उचित व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़े लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये भी हमारा प्रयोजन है काव्य को पढ़कर। चौथा दिया उन्होंने श्वेतर रक्षते। इसमें उन्होंने मयूर कवि का उपाख्यान दिया है कि मयूर कवि जो थे बाणभट्ट के साले थे, अर्थात मयूर कवि की बहन बाणभट्ट से उनका विवाह हुआ था। तो एक बार प्रातः मयूर कवि और उनके में मैत्री संबंध भी था, तो मयूर कवि और बाणभट्ट एक साथ प्रातःकालीन भ्रमण को जाया करते थे। तो एक दिन इस उपाख्यान में दिया है कि एक दिन बाणभट्ट जी की पत्नी किसी कारण से उनसे नाराज हो गई। रात भर बाणभट्ट उनके लिए श्लोक की रचना द्वारा उनको मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तीन चरण श्लोक के उन्होंने बना लिए, लेकिन चौथे चरण का निर्माण करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। उसी समय प्रातः हो गया, मयूर जी उन्हें लेने पहुँच गए और उन्होंने चौथी पंक्ति को पूरा कर दिया और जोर से आवाज़ में उन्होंने उस पंक्ति का उच्चारण किया, जिसको सुनकर बाणभट्ट की पत्नी नाराज हो गई और बिना देखे ही उन्होंने मयूर कवि को कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का शाप दे दिया, जिसके कारण मयूर कुष्ठी हो गए। तो उन्होंने बाद में उनकी बहन ने उनको क्षमा किया और उनसे कहा कि आप सूर्य की आराधना कीजिए। मयूर जो थे एक पेड़ पर रस्सी का छीका बांधकर बैठ गए और प्रतिदिन उन्होंने आदित्य स्तोत्र में से एक श्लोक की रचना करते जाते थे और एक एक गांठ उसकी काटते जाते थे। जब अंतिम 100 श्लोकों की रचना उन्होंने कर ली, तो जैसे ही अंतिम रस्सी उन्होंने काटी, गंगा मैया ने उन्हें कुष्ठ से उनको दूर कर दिया, कुष्ठ रोग का निवारण कर दिया सूर्य की कृपा से और वो रोग मुक्त हो गए। तो इस तरह का उदाहरण आचार्य मम्मट देते हैं कि काव्य की रचना करने से अनिष्ट का भी निवारण होता है। पंचम उद्देश्य उन्होंने दिया है, प्रयोजन दिया है सद्यः परिनिवृत्तये, मतलब जो कि सबसे मुख्य प्रयोजन है काव्य का श्रवण अथवा पाठ के साथ ही काव्य का रसा स्वादन होता है और उससे परम आनंद की अनुभूति होती है। कवि या पाठक और काव्य के बीच में तादात्मिक हो जाता है, मनुष्य उस क्षण में बाकी सब कुछ विस्मृत कर देता है और उस आनंद में ही डूब जाता है। ये परम प्रयोजन है काव्य का। छठा प्रयोजन उन्होंने दिया है उपदेश यूजे, उचित अनुचित का निर्णय, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसका ज्ञान भी हमें काव्य की रचना या काव्य के पाठ से मिलता है। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने कांता सम्मित त्रयोपदेश युजे दिया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, उपदेश की शैली। तो अब हम समझ सकते हैं
कि जो हमारे मुख्य प्रयोजन है काव्य की रचना के या काव्य का पाठ का, वो छह प्रयोजन है। इसमें से कवि ने, आचार्य मम्मट ने यह अर्थ कृते यश से और श्वेता रक्षते, ये जो तीन है प्रयोजन है, ये उन्होंने मुख्य रूप से कवि के लिए बताए हैं, क्योंकि यश की प्राप्ति भी कवि को ही होगी काव्य की रचना से, अर्थ की प्राप्ति भी कवि को ही होगी काव्य की रचना से, और श्वेतर रक्षते अनिष्ट का निवारण भी कवि को ही होगा, न कि पाठक को होगा। इसलिए ये तीन प्रयोजन कवि से संबंधित हैं। अब तीसरा प्रयोजन व्यवहार विदे, पांचवा सद्यह पर निवृत्तये और छठा उपदेश युजे, कैसा व्यवहार करना है, उचित अनुचित का ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, ये कवि और पाठक दोनों के लिए ही ये प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताया है। उपदेश की त्रिविध शैली, आचार्य मम्मट ने उपदेश की त्रिविध शैली बताई है, वो तीन प्रकार से कर्तव्य अकर्तव्य है, उसको हम तीन प्रकार से जान सकते हैं कि क्या कर्तव्य है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। लेकिन जैसा कि हमने इसको पढ़ा, छठे प्रयोजन में कांता सम्मित तयोपदेश युजे, आचार्य मम्मट ने सबसे श्रेष्ठ उपदेश की शैली कांता सम्मित उपदेश को बताया है। पहली शैली उन्होंने बताई है, त्रिविध शैली मतलब तीन प्रकार की शैली, प्रभु सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश क्या हुआ? प्रभु अर्थात राजाज्ञा, जो हमारा स्वामी हो, जो हमारा जिसकी आज्ञा का हम सभी पालन करते हैं, राजाज्ञा होती है, जिसका कि अक्षरशः पालन किया जाता है। उसमें हम वेद आदि को मान सकते हैं कि वेद आदि जो कहते हैं वो सूत्र रूप में कहते हैं और उनका अक्षरशः पालन किया जाता है, इसलिए उन्हें शब्द प्रधान कहा जाता है। उनके एक एक शब्द की शब्द का अक्षरशः पालन होता है, किसी भी शब्द को हम परिवर्तित नहीं करके उसका अर्थ ले सकते हैं। जो आज्ञा जिस रूप में है उसी रूप में हमें उसका पालन करना है। शब्द प्रधान होने से वो थोड़ी दुरूह और कठिन होती है। दूसरी उपदेश की शैली है सुहृत सम्मित अर्थात मित्रवत। जैसे कोई मित्र किसी मित्र से कहता है कि ये कर्तव्य हमारा करना है, ये अकर्तव्य है, यह उचित है, यह अनुचित है, तो दूसरा मित्र उसकी बात को समझता है, उसका पालन करता है। इसलिए ये है अर्थ प्रधान। अर्थ प्रधान है कि मैंने उसके शब्दों पर हमें ध्यान नहीं देना है, उसकी भावना पर ध्यान देना है कि मेरा मित्र मुझे किस तरह से समझा रहा है, किस तरह से हमें अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है और गलत कार्यों से हमें दूर करता है। तो अकर्तव्य और कर्तव्य दोनों के मित्र, जैसे मित्र हमें समझाता है, उसी प्रकार का अर्थ प्रधान जब कोई बात होती है तो उस तरह के हमारे ग्रंथ हैं पुराण और इतिहास, जो शब्द प्रधान नहीं है, इनकी बात, इनके में लिखे हुए तथ्यों का भाव समझकर हम उसका पालन करते हैं। जैसे कि पुराण में बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हैं, इतिहास जो पौराणिक बातें बताते हैं, जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, उस समय किस तरह के आचरण लोगों ने किए, उसका भाव समझकर, उसका अर्थ समझकर हमें आचरण करना चाहिए। तीसरा है जो कि आचार्य को सबसे अधिक प्रिय है, कांता सम्मित। कांता अर्थात प्रेयसी स्त्री, और काव्य, काव्य वो रचना है। जैसे कांता किसी को जब अपने कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में बताती है, उपदेश देती है, उस समय अपने सारे सामर्थ्य को इकट्ठा कर सरसता उत्पन्न कर, अपनी बातों को मधुरता से भर कर किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर अभिमुख करती है और उसके बाद अपनी बात को मनवाती है या उसे उपदेश देती है कि यह कर्तव्य है, ये कार्य हमें करना है, यह अकर्तव्य है, अर्थात ऐसा आचरण उचित नहीं है। तो इसमें शब्द और अर्थ का गुणीभाव होता है और रस की प्रधानता होती है। कांता के उपदेश में शब्द और अर्थ का महत्व कम है, रस की प्रधानता है। अपनी बातों को रस से भर कर, रस में डुबो कर कांता व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य की तरफ अभिमुख करती है।
जैसे यहाँ हम देखेंगे कांता एव सरस्ता पादेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्धितव्यम न रावणादिवत इति उपदेशम। अर्थात जब कांता सरसता के साथ मधुरता के साथ व्यक्ति को अपनी ओर अभिमुखी करके, अभिमुख मैंने अपनी ओर मोड़ कर, राम के समान व्यवहार करना चाहिए न रावण के समान, न कि रावण के समान, ऐसा उपदेश देती है। कांता अर्थात प्रेयसी स्त्री, जिसकी बातों में मधुरता होती है, जो सरस ढंग से अपने और व्यक्ति को अभिमुख करती है और तब उपदेश देती है राम के समान आचरण करना चाहिए न कि रावण के साथ, रावण के समान, अर्थात यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य है, ऐसा आचरण करो, ऐसा मत करो। तो इस प्रकार से समझकर कवि यथा योग्य, यहाँ पर त्रुटि है योग्यम, कवे सहृदय सच करोति इति सर्वथा यत्र यत्नियम। इसलिए इस प्रकार से समझकर हमेशा काव्य में यत्न करना चाहिए, तद काव्य की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार हमने अभी देखा कि जब कांता हमें उपदेश देती है तो वो विधि, वो काव्य हमें अधिक सरसता के साथ ज़्यादा उपादेय है, इसलिए हमें काव्य की ओर प्रयत्न करना चाहिए। ये हमने आचार्य मम्मट के 6 प्रयोजनों को विस्तृत रूप में जाना। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट से जो पूर्ववर्ती आचार्य थे, उन्होंने भी कुछ काव्य के प्रयोजन दिए हैं। जैसे आचार्य भामा मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्य में वामन का है काव्यम सद दृश्य। आचार्य वामन लिखते हैं काव्यम सद दृष्ट अदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्व, ये इनका काव्य का लक्षण है। इसमें प्रीति अर्थात आनंदानुभूति, ये हमारा दिखाई देने वाला प्रयोजन है, दृष्ट प्रयोजन है। कीर्ति अदृष्ट प्रयोजन है। इन्होंने अपने ग्रंथ में कीर्ति और प्रीति दो ही प्रयोजन माने हैं। आचार्य भामा का लक्षण एक ऐसा लक्षण है जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से प्रयोजन के बारे में चर्चा की है। लक्षण नहीं, प्रयोजन। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम्। इसमें इन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, कलाओं में निष्णता निपुणता, कीर्ति और प्रीति, ये 4 प्रयोजन उन्होंने माने हैं। इसी तरह और भी आचार्यों ने, आचार्य भरत ने, आचार्य कुंतक ने, सभी आचार्यों ने काव्य की रचना करते समय काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा की है। हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट का प्रयोजन बहुत समन्वित है, जिसमें भामा के प्रयोजन से आचार्य मम्मट दिखाई देता है कि उन्होंने इस सभी को अपने प्रयोजन में स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने प्रयोजन की चर्चा की है। आज हम इस व्याख्यान में हमने काव्य के प्रयोजन की चर्चा की। आज का व्याख्यान यही खत्म होता है। मैं अभी सभी शिक्षार्थियों से जो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनसे ये बताना चाहती हूँ कि यह MA के 3rd सेमेस्टर के 114वें प्रश्न पत्र में ये है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में MA के 2 वर्षों का यह पाठ्यक्रम है, जिसमें 4 सेमेस्टर हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में 5-5 प्रश्न पत्र हैं और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से है और ये सेमेस्टर पर आधारित हमारा पाठ्यक्रम है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।